और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों की मतगणना शुरू हो चुकी है। जिनमें बात कर ले रुझानों की, तो शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए हैं। जोन क्रमांक एक में अभी कांग्रेस आगे चल रही है, इसमें वोट क्रमांक एक में अगर बात करें तो 415 और वोट क्रमांक दो से 800 वोटों से कांग्रेस आगे है। वोट क्रमांक तीन में 900 वोटों से भाजपा आगे है। इसी क्रम में वोट क्रमांक चार में निर्दलीय प्रत्याशी किशोर 33 वोटों से आगे बताए जा रहे हैं। हुजूर विधानसभा से भी बीजेपी की मानती राय अभी काफी वोटों से आगे चल रही है। आपको बता दें सुबह 11 बजे तक मानती राय 4100 वोटों से आगे चली थी। और चुनावों की मतगणना के साथ ही अब रुझान भी आना शुरू हो गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से स्टेट कोऑर्डिनेटर ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी ब्रजेश जी, तो क्या कुछ अभी अपडेट देखने को मिल रही है? जी ब्रजेश जी, तो अगर बात हम करेंगे तो प्रत्याशियों के कौन आगे कौन पीछे, से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो केंद्र है जहाँ पर मतगणना हो रही है वहां पर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, क्योंकि सुरक्षा भी मेन चीज अगर हो जाती है मतगणना केंद्रों पर। देखिए, अगर सुरक्षा की बात करें तो शासन प्रशासन है वह पूरी तरीके से पहले से सुरक्षा को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम कर चुका था। मेरे पीछे लगे बैरिकेड आप देखेंगे, यह जो मतगणना स्थल है उससे काफी दूरी तक ये बैरिकेड लगाए गए हैं और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की लगातार जाँच की जा रही है। प्रशासन से लेकर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वही महिला पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं। महिला कैंडिडेट को लेकर अगर महिला यहाँ पर आती है तो उनके जो जाँच और प्रक्रिया उसके लिए यहाँ महिला मुख्यमंत्री तैनात है। साथ ही लगातार पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी वो यहाँ आकर लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। जी ब्रजेश, तो अगर बात कर ले कांग्रेस प्रत्याशियों की, तो किस कौन कौन से वोट अभी सामने आए हैं जिनसे अभी कांग्रेस आगे चलती दिखाई दे रही है, इस बारे में हमारी जो दर्शक है उनको विस्तार पूर्वक आप जानकारी देने का कष्ट करें। जी ब्रजेश जी, तो एक बार विस्तार से बताइए कि क्या कुछ वोटों की स्थिति अभी देखने को मिल रही है मालती राय और विभा पटेल के बीच, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभी से रुझान बताना शुरू हो गए हैं। रुझानों के आधार पे अभी क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर की भी हम अगर हम बात करें तो? देखिए, अगर बीजेपी और कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट की बात करें तो लगातार सुबह से ही जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई और उसके रुझान आना शुरू हुए तो मालती राय का
वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत काफी आगे चल रहा था और उन्होंने लगातार इस लीड को बनाए रखा है। और अभी मौजूदा जो अपडेट है उसको देखा जाए तो लगभग 20,000 का जो लीड है मारुति राय लेकर बीजेपी चल रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के विभा पटेल के लिए दिक्कतें खड़ी करेगा, क्योंकि लगभग आधा समय 2 बजे से तक का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पक्ष में होता दिखाई दे रहा है। और देर रात तक उम्मीद लगती है कि यह आंकड़ा बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और किसकी यह नगर सरकार बनेगी, कौन इस यहाँ का मेयर कैंडिडेट रहेगा, जी ब्रजेश। तो अगर हम एक और आपसे बात कर लेते हैं कि जिस तरह से अभी रुझान आना शुरू हुए हैं, सुबह से ही ये मतगणना चालू हो चुकी थी, अभी क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है मतगणना कब तक खत्म हो सकती है? क्या अभी तक इस पे कुछ रुझान आया है कि मतगणना शाम तक की अगर हम बात कर ले तो कब तक इसका फैसला आ सकता है? देखिए, अगर मतगणना की मौजूदा स्थिति को अगर देखा जाए तो अभी तक बीजेपी के या कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट जीत चुके हैं जिनके आंकड़े सामने आना शुरू हो गए हैं। जी, 62 के जो आंकड़े हैं वो जीतने के जो आ रहे हैं उससे लगता है कि यह जो वोटिंग है वो इसका जो पूरा मतगणना स्थल पर अगर जीतने के सारे जो कैंडिडेट है वो जीत हार का आंकड़ा जो सामने आ पाएगा वो देर रात तक ही आ पाएगा, क्योंकि अभी कुछ ही जो सीटें हैं जहाँ 62 सीटें हैं जहाँ पर यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि कौन जीता है कौन हारा है। लेकिन अभी जो वोट बैंक है काफी जो सीटें हैं वो काफी ज्यादा हैं, तो देर रात तक लगभग 12 से 1 बजे तक की उम्मीद लगाई जा रही है कि तब तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किसके यहाँ नगर सरकार बनी है और कौन किस सीट पर प्रत्याशी जीता है। जी ब्रजेश, तो जिस तरह से हम भाजपा और कांग्रेस की टक्कर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमें निर्दलीय को भी नहीं छोड़ना है। जैसे जिस तरह की अभी बातें भाजपा और कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा की जा रही है, जहां से अधिकतर कांग्रेस के बाजी मार रहे हैं, कहीं भाजपा के बाजी मार रहे हैं, कहीं देखा जाए तो मेयर कैंडिडेट में अगर देखा जाए तो अभी मालती राय आगे चल रही है, लेकिन इसी बीच अगर निर्दलीय प्रत्याशियों की हम बात करें तो क्या कुछ अपडेट निर्दलीय प्रत्याशियों के बारे में मिल रही है? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी की अगर बात करें तो लगातार हर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस का गढ़ बिगाड़ता दिख रहा है। दूसरे सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी भी लीड लेकर चल रहे हैं, जिस महीना ऐसा लगता है कि भाजपा जो भोपाल की नगर निगम जो सरकार बनेगी उसमें निर्दलियों की भी अहम भूमिका रहेगी और साथ ही जो निर्दलीय इस नगर सरकार बनाने में काफी भूमिका अदा कर सकते हैं। साथ ही कांग्रेस भाजपा को कई सीटों पर हार का सामना निर्दलियों की वजह से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पूरे जो नगर सरकार है उसमें भूमिका अदा कर रही है और उसकी भी कई जो सीटें हैं उस पर उनका अभिषेक दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी भी बढ़त बनाएगी और कुछ सीटें उसकी भी आने की उम्मीद लग रही है। जी ब्रजेश जी, तो हम आपसे लास्ट एक आखिरी सवाल और पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से चुनाव के नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, अभी सिर्फ रुझान सामने आ रहे हैं, कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है कौन सी पार्टी के बारे में, लेकिन अगर बात की जाए मतदान जो मतगणना जो केंद्र है वहां पे सुरक्षा व्यवस्था की, शांति व्यवस्था की, तो अभी वहां पर इस व्यवस्था में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरह से अगर हम मतदान की बात करें तो मतदान में हमने काफी जगह विवाद देखे गए थे, कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, कहीं ना कहीं मतदान जब हुए थे तब विवाद देखे गए थे, तो इस स्थिति में मतगणना में क्या कुछ व्यवस्था वहां पर देखी गई है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पहले से ही जो वोटिंग का जो झगड़े सामने आए या जो असामाजिक तत्वों ने जो चुनाव के दौरान जो क्रिटिकल स्थितियां बनी कुछ एक जगह पर जिस तरीके की घटनाएं सामने आई उसके बाद गिनती के समय मतगणना स्थल पर जो घटना सामने उसको दोहराने का मौका न मिले उसको लेकर जो प्रशासन है उसने काफी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले से तैयारियां की थी और यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है जिनके पास पास है या जो प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं सिर्फ वही अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा पूरी तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी जांच चौबंद दिखाई दे रही है, पुलिस प्रशासन लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी काम किया है, उन्होंने बैरिकेड लगाए गए हैं, साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर सभी तरीके की जो भी सुरक्षा की जरूरत है उसको पर काम किया गया है। जी ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इस बात की जानकारी के लिए और आगे की जानकारी के लिए भी हमसे जुड़े रहेंगे। तब
जिस तरह से हमने देखा कि ब्रजेश जी ने अभी हमें जानकारी देकर बताया है कि मतगणना जो केंद्र है वहां पर अगर मतदान की बात की जाए तो मतदान के समय पर काफी विवाद देखे गए थे। कांग्रेस और बीजेपी की बात हो या निर्दलीय की बात हो, कोई से भी प्रत्याशियों की बात हो, समर्थकों में विवाद देखे गए थे और इसी के चलते मतगणना के समय सुरक्षा व्यवस्था काफी देखी गई है। इसके साथ ही हम आपको बता दें अभी मतगणना में जो रुझान आए हैं उनमें देखा गया है कि मेयर कैंडिडेट की अगर बात कर लेते हैं तो भाजपा से मालती राय अभी काफी वोटों से आगे चल रही है। बाकी अभी रुझान आना शुरू है और रुझान आते जा रहे हैं, लेकिन जब तक मतगणना पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो ये तो हो गई आज की मतगणना की बात। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए केपी भादर, क्योंकि जल्द ही हम आपके सामने मौजूद होंगे बड़ी खबरों के साथ। जब तक के आप देखते रहिए केपी भारत। नमस्कार।